यूज़र्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग फॉर यू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो देखा जैसे आपने कि बहुत ही टेस्टी से जो हैं हम रमज़ान स्पेशल पालक के पकोड़े मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो रमज़ान में जो है आप बहुत जल्दी पालक पकोड़ा बना सकते हैं, आपका टाइम भी जो है वो ज़ाया नहीं होगा और बहुत जल्दी आप अपनी इफ्तारी से भी फारिग हो जाएंगे। तो अब मैं बताती हूँ इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये मैंने पालक ले ली है। पालक मैंने ज़रा ज़्यादा ली है क्योंकि हम पालक के पकौड़े बना रहे हैं, तो इस वजह से पालक मैंने ज़्यादा ली है। आप अपने जितना आप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप पालक ले लें। ये तकरीबन मैंने 2 प्लेट के करीब जो है वो पालक ले ली है, उसे मैंने ऐसे मोटा मोटा काट लिया है। और प्याज जो है मैंने एक फुल साइज़ का बड़ा मैंने लिया है प्याज, ये मैंने ऐसे बारीक बारीक जो है मैंने काट लिया है। और एक मैंने आलू लिया है, इसे भी मैंने ये देखिए बारीक सा जो है ऐसे काट लिया है। आप दूसरी तरह भी क्यूब्स में भी काट सकते हैं छोटा छोटा। और मसालों में जाएगा नमक हसबे ज़रूरत, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, 1/2 टीस्पून इसमें सूखा धनिया जाएगा और चिली फ्लेक्स भी इसे कहते हैं, और धड़ा मिर्च जो है पिसी हुई ये इसमें 1 टीस्पून जाएगी, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम जो है इसमें गर्म मसाला जाएगा। और कनोर का ये पैकेट जो हमारे आम नूडल्स के पैकेट में से ये साशे निकलता है, ये आपकी चॉइस है। अगर डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं डालना तो भी जो है ये बहुत टेस्टी बनेंगे, तो ये मर्ज़ी आपकी। मैं टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा चाह रही हूँ तो इस वजह से मैं डाल रही हूँ, वैसे भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ा जो है वो बाउल ले लिया है, उसमें ये सारी चीज़ें मैं एक साथ ऐड कर दूँगी। अब ये सारे जो मसाले हैं ये भी इसमें चले जाएंगे, इन्हें अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में हमारी बहुत जो है वो बिज़ी रूटीन होती है, हमने रोज़े भी रखने होते हैं, इबादत भी करनी होती है, और अफ्तारी और सहरी और बच्चों का भी सब कुछ जो है वो काम एक ही टाइम में जा रहे होते हैं। तो इस वक्त में जो है जितनी इजी मैं आपको टिप्स और रेसिपी दे सकती हूँ मैं आपको दूंगी, बहुत ही इजी है। ये मैंने पालक जो है मैं एक बार ही जो है मैं इकट्ठे मंगवा के रख लेती हूँ, उसे मैं अच्छे से साफ़ करके ऐसे मैं काट लेती हूँ मोटा मोटा। फिर उसके बाद मैं एक अखबार ली, ऐसे करके मैं इसे ऐसे लपेट के एक शॉपर में आप रख लें, ये तकरीबन 3 से 4 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इस शॉपर में डालें, अपनी फ्रिज में रखें और इसे कहीं भी खुश्क जगह पे आप रख दें। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसमें बेसन कितना जाएगा। हम यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम बेसन से ज़्यादा जो है हम पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसी वजह से जो है हमारे पकौड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। ये 1/2 किलो का पैकेट है बेसन का, मैं आपको बताती हूँ इसमें कितना शामिल करना है। इसमें ये 1 चम्मच, 2, 3, ये 4 चम्मच आप देख सकते हैं, ये 5वां चम्मच कैसे मैंने भर भर के ये देखे यूज़ किया है। अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स करके देख लूँगी, अभी हमने इसमें पानी नहीं शामिल करना। तो पानी ज़्यादा अगर डल गया तो हमारे पालक के पकोड़े जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो अभी मैं इसमें कोई भी पानी शामिल नहीं कर रही। तो ये देखें हमारा रमज़ान स्पेशल पालक पकोड़ा जो है इसका अमेज़ा तैयार है। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया, ये देखें पानी जो है मैंने रखा हुआ था कि अगर ज़रूरत हुई तो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। अगर आपका ऐसा मैदा जो है वो बन जाता है पानी के बगैर ही, तो आप इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। मैंने इसमें 1 चम्मच के बराबर भी जो है वो पानी का नहीं डाला, और ये बहुत अच्छे से जो है वो अमेज़ा बन चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना, इन्हें फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं हाथ की मदद से ये देखें ऐसे हाथ की मदद से छोटे या बड़े जैसे आप खाना पसंद करते हैं ऐसे डालती जाऊंगी, और इसकी आंच जो है वो ना ही बहुत तेज़ होगी और ना ही बहुत
जो है वो लो होगी, मीडियम आंच पे जो है मैं इसे फ्राई कर लूँगी ऐसे करके। सारे पकोड़े जो हैं मैंने डाल दिए फ्राई होने के लिए। इसे ज़्यादा आपने हिलाना जुलाना नहीं है अभी, इसे तकरीबन 3-4 मिनट ऐसी पकने दें, उसके बाद में जो है मैं इन्हें पलटूंगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इन्हें ऐसे पलटती जाऊंगी सबको ताकि ये अच्छे से जो है फ्राई हो जाएं। और बिल्कुल ऐसे आपने हल्के हाथों से ऐसे इसे प्रेस कर देना है। तो हमारे रमज़ान स्पेशल पालक पकोड़ा जो हैं वो तैयार हैं ज़बरदस्त से। तो अब मैं आपको इन्हें डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, हमारे रमज़ान स्पेशल पालक पकोड़ा ज़बरदस्त से तैयार हैं, बहुत ही इजी तरीका है। तो पालक जैसे मैंने आपको बता दिया, आप बिल्कुल उसी तरीके से जो है फ्रिज में रख सकते हैं, एक हफ्ता भी जो है वो चला सकते हैं आप, तो बिल्कुल भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी रमज़ान में। अपने रमज़ान को जो है वो आसान बनाएं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ऐसी रेसिपीज़ जो है मैं आपके लिए और भी रमज़ान की लेकर आऊँगी स्पेशल, तो ज़रूर इन्हें बनाएं और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो लोग न्यू आए मेरे चैनल पे वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मैं बहुत जल्द एक रमज़ान की स्पेशल रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।